हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल में पेन ड्राइव कैसे कनेक्ट करें, यानी कि पेन ड्राइव को अपने मोबाइल में कैसे कनेक्ट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे और जानेंगे। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार टेक रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं और आती रहेंगी। तो दोस्तों, आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरह से अपने मोबाइल से पेन ड्राइव को कनेक्ट किया जाता है, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक OTG होना चाहिए जो आपके मोबाइल में लग सके आसानी से। इधर देख लीजिए, ये मोबाइल में लगने वाला है, और बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर USB है, इसका नाम OTG है। ये आपको मार्केट में आसानी से 25 से 30 रुपए में मिल जाएगा। और ये है आपका आई बाल का पेन ड्राइव। जो भी आपके पास पेन ड्राइव हो वो आपके पास होना चाहिए। अब इसके लिए आपको इस पेन ड्राइव को इस OTG में कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो है पेन ड्राइव और OTG दोनों कनेक्ट कर लिया है। अब इस पेन ड्राइव को OTG के साथ ही हमें अपने मोबाइल में क्या है कनेक्ट करना है, तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको आ जाना अपने मोबाइल के होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद इस पेन ड्राइव OTG में लगे हुए ही OTG के साथ अपने मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिख चुका है। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ लिखना है OTG। तो चलिए हम लिख लेते हैं OTG। जैसे लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए OTG का आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका चालू होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑफ है तो आपके मोबाइल में पेन ड्राइव नहीं पकड़ेगा। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑन है तो ही पेन ड्राइव आपके मोबाइल में चलेगा और पकड़ेगा। चलिए अब हम अपने फोल्डर में चल के देख लेते हैं हमारे मोबाइल में पेन ड्राइव दिखा रहा है कि नहीं। चलिए अपने फोल्डर में आना। फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ ऑल फाइल पर क्लिक करना है। अगर आप में ऐसा इंटरफेस नहीं आता है तो आपका फोन किसी दूसरे कंपनी का है तो आपको यही दिखा देगा, लेकिन मेरे पर यहाँ ऑल फाइल्स पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए मेरा इंटरनल दिखा रहा है ये, और ये मेरा OTG दिखा रहा है जो अभी इंसर्ट किया हूँ। ये मेरा SD कार्ड दिखा रहा है। तो मैं OTG पर क्लिक करूँगा, जो पेन ड्राइव में है सभी कुछ दिखने लगेगा। तो इसमें देख लीजिए ऑडियो सॉन्ग है, और आप इसमें फोटो वोटो है, जो कुछ भी है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं आसानी से। उस फोल्डर पर क्लिक करके आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।